तो सबसे पहले बात किसान आंदोलन की करेंगे। आज एक बार फिर आंदोलनकारी किसान और सरकार बातचीत की टेबल पर होंगे आमने सामने। आठवें दौर की ये वार्ता दोपहर 2 बजे से दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू होगी। किसानों के कल की ट्रैक्टर वाले शक्ति प्रदर्शन के बाद आज की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई। अब तक की बातचीत में दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हैं। न सरकार मानने को तैयार है न किसान। किसान 3 नए कानून वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर आज सरकार नहीं मानी तो 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, गाजीपुर पर किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं कुमार कुणाल और जितेंद्र बहादुर सिंह सिंघू बॉर्डर से। लेकिन कुणाल, आपके साथ राकेश टिकैत भी नजर आ रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी आज की मुलाकात को लेकर? देखिए, हम सीधे राकेश टिकैत से ही बात करते हैं कि आखिरकार जो अभी आज बातचीत होने जा रही है उसको लेकर के क्या कुछ करना है। राकेश जी, अभी बात होगी 2 बजे। हाँ, 2 बजे से बातचीत होगी। क्या आज का एजेंडा क्या रहे? देखो, एजेंडा हमारा ये है कि यहाँ जो 3 बिल हैं वो सरकार वापसी ले ले, MSP पे कानून बनाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, ये हमारे एजेंडे रहे। तो पहले से है 4 तारीख और 8 तारीख, आज क्या 4 दिन में क्या कुछ अंतर आपको लगता है क्या कि होने वाला है? क्योंकि सरकार भी अपनी तैयारी के साथ आएगी, आप भी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हाँ, तैयारी के साथ जा रहे हैं। क्या है अंतर, क्या है 4 तारीख की बातचीत में और 8 तारीख की? वो तो सरकार से पूछ जाएंगे क्या लेकर आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम लेकर आएंगे, अब उन्हीं से तो देखना है ना। हमने तो अपना वो दे दिया, तो वो क्या लेकर आएंगे वो देखेंगे। मॉडल बिल बनाने की भी बात है कि स्टेट पे छोड़ दिया जाए, राज्यों पे छोड़ दिया जाए कि वो इसको लागू करे, ये एक मॉडल बिल हो, क्या उस पर भी कोई बात हो सकती? नहीं, अभी देखेंगे, उनको लेकर आना तो क्या है, और वहाँ सब लोग अपने रहेंगे तो सब लोग चर्चा करेंगे क्या है लेकर आते हैं। कुछ बात हो रही है कि कुछ लोग, कल कृषि मंत्री ने एक धार्मिक नेता से भी मुलाकात की, उनकी भी तस्वीरें आई कि वो बीच में वार्ता के लिए आ सकते हैं दोनों तरफ से, तो क्या ऐसी भी कोई संभावना? आ जान तो ठीक रहेंगे, बीच में कोई ना कोई आदमी आ जाए तो ठीक ही है। लेकिन कल आपने ट्रैक्टर रैली भी कर ली, अब जा करके अभी भी आप अड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि आपने अपनी ताकत दिखाई है, अब आप और ज्यादा जोर शोर से लग रहे हैं? हाँ, जोर शोर से लगेंगे, बिना ताकत के कोई मान रहा, ताकत तो दिखानी पड़े। लेकिन ताकत तो सरकार भी आपको कह रही है ना, क्या कि आप बातचीत पर कर आओ, आप ताकत बाहर क्यों सड़कों पर दिखा? सड़कों पर ताकत कहा जाए, ट्रैक्टर सड़कों पर नहीं चल सकता क्या हमारा? जब 26 तारीख में होगा तो 26 तारीख में तो बढ़िया ट्रैक्टर चाहिए ना वहाँ पे, जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर हो गया जो सरकार ने बंद कर दिया, उसे भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि ये ट्रैक्टर चलता है बढ़िया। आपके पास कुमार कुणाल, यहाँ पर राकेश टिकैत अपनी बात रखते हुए, वहीं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कैलाश चौधरी जो कि कृषि राज्य मंत्री हैं, जितेंद्र दरअसल वो ये कह रहे हैं कि आगे भी सुधार इस कानून में किए जाएंगे, ये किसानों के हित में है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आज की बातचीत से निष्कर्ष निकलेगा। वहां के किसानों तक उनकी ये बात पहुंची अभी तक या नहीं? जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की आपको बात सुना देते हैं। उनका यह कहना है कि आज की बातचीत से हल निकलने की सरकार को पूरी उम्मीद है। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। कैलाश जी, आज 9वें दौर की बातचीत हो रही है, क्या समाधान निकल पाएगा? क्योंकि अभी तक जितनी बातचीत हुई उसमें जो 7वें दौर की बातचीत थी उसी में थोड़ा सा समाधान निकलता दिखा, और 8वें दौर की बातचीत तो बिल्कुल ये रहा कि किसानों ने कहा कि हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। ऐसा है कि हम तो 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं और भारत सरकार है वो किसानों की उस हर समस्या का समाधान करना चाहती है, और जो ये सुधार किए गए हैं कृषि सुधार कानून है, इसके अंदर किसानों के जीवन में परिवर्तन होने वाला है। और अब जो किसान यूनियन के नेता हैं उनसे हमारा आग्रह है कि 2 कदम आप भी आगे बढ़ें, और आज मैं पूरा विश्वास है कि वो जरूर इस बात का विचार करेंगे। तो आप यहां पर सुन रहे थे कृषि राज्य। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।